हमीरपुर में सैनिक का परिवार डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। मामला थाना सुमेरपुर का है, जहां पर रविंद्र सिंह भारतीय सेना में कार्यरत है। वहीं सैनिक वर्दी पहन का परिवार सही धरने पर बैठने को मजबूर भी। पीड़ित सैनिक परिवार का कहना है कि घर के पास एक गड्ढे को खोदने को लेकर हुआ विवाद आज विवाद बड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सैनिक ने 8 अगस्त 2018 को इलाके की दबंग की शिकायत परिवार सहित पुलिस अधीक्षक से की थी और FIR भी दर्ज हुई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद दबंग फिर से परिवार वालों को गली में आते जाते परेशान करता है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। सैनिक ने कई बार थाना सुमेरपुर में शिकायत की, लेकिन कोई भी भारतीय सैनिक की सुनने को तैयार नहीं, जिसके कारण आज सैनिक अपने परिवार की सुरक्षा के कारण घर छोड़कर जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। अब घटना तो थोड़ा ये राहुल द्वारा रास्ते में गड्ढा खोद रहा था, इसके बाद में बच्चे जा रहे थे, उधर से खड्डे खोदते हुए उसको उठा लिया, हैंडल डायल किया, बच्चों को अश्लील शब्द गाली गलौज करते हुए फावड़े से जान से मारने की धमकी देते हुए रास्ते में वो दौड़ पड़ा उधर से। इसके बाद में चार मुकदमा लिखा, इसके बाद में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो दबंग होने के बावजूद भी डेली गाली गलौज करता है, बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है, बच्चों को किडनैप करने की धमकी देता है, डेली पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई नहीं दिला रही पुलिस। और हमारे पति आर्मी में कार्यरत हैं। सर मैं अकेली घर में रहती हूँ, दो बच्चों को लेके, पड़ोस का राहुल है, राहुल भदौरिया, बहुत परेशान करता है सर, हमेशा अश्लील हरकतें, हमेशा गाली गलौज करता है, मेरे बच्चों को किडनैप करने की बात करता है, हमें जान से मारने की धमकी देता है। सर हम अपने अंदर घुसे रहते हैं, हम कब तक अंदर घुसे रहेंगे, आखिर हमें न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। हमें सर हमें आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें न्याय चाहिए, इसलिए आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। प्राप्त हुई है आप ही लोगों के माध्यम से कि एक व्यक्ति भरुआ सुमेरपुर के रहने वाले हैं, जो कि गोल चबूतरे में बैठे हुए हैं, इनके बारे में जानकारी की गई तो इनके द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें चार्जशीट वगैरह लगी थी, फिर परीक्षण के क्रम में पुनः विवेचना री इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। अब इनका कहना है कि पुलिस द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, देख लेते हैं इसमें पूरी बात क्या है, सच्चाई क्या है, और CO सदर को मैंने बता दिया है कि इस मामले में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसे ग्रहित करना सुनिश्चित करें।